जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल बटन क्लिक जरूर करिएगा ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे एक बोल मूंग की दाल ली है और इसको 2 घंटे हमने भिगो लिया था अच्छे से धो के। इसको 2 से 3 घंटे आपको भिगो के रखना है। पानी ड्रेन आउट करके ले लीजिए बोल में। फिर अब हम लेंगे इसमें कटी हुई अदरक, फिर हम लेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च और अब हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। आपने हरी मिर्च डाली है तो आप स्किप भी कर सकते हैं लाल मिर्च। और यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी यानी कि टर्मरिक। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आज आपके लिए बना रहे हैं ये प्रोटीन रिच ज़बरदस्त लंच की रेसिपी। अब इसमें हल्का सा हींग ऐसा फोइटेटा हम डालेंगे, ऑप्शनल है। पिंच हमने डाला है 1/4 टीस्पून और गरम मसाला, घर के जो भी अवेलेबल मसाले हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है पराठों में, वो है सौंफ यानी कि फेनल सीड्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। और अब इसमें धनिया पत्ती डाल के और इसका अब हम आटा लगा लेंगे अभी देखिए। और यहाँ पर अब डालेंगे हम, इसको मिक्स कर लेंगे। और देखिए क्या होता है ना, दाल कई बार सबको होता होगा कि दाल नहीं खानी आज हमें, तो क्या बनाएं दाल से हम। दाल तो खाना ज़रूरी है वेजिटेरियंस में, राइट, हमें क्योंकि प्रोटीन मिलता है, कार्ब्स भी होते हैं। तो अगर रोज़ रोज़ दाल नहीं खाई जाती तो ये है परफेक्ट लंच और डिनर की रेसिपी। हम लंच में बना रहे हैं, हमारे लंच में ये रेसिपी। और अब इसमें 1 कटोरी गेहूँ का आटा हम लगाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं मूंग दाल के पराठे। अगर नहीं बनाए तो ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छे टेस्टी हैं। आपकी मॉम्स भी आई एम श्योर बनाती होंगी ये रेसिपी, डेफिनेटली सुपर इजी रेसिपी है। आज डिनर में बनाइएगा अपने फैमिली के लिए, बच्चे जो दाल नहीं खाते वो भी खा लेंगे इसको। और देखिए नॉर्मल, अब इसमें पानी डाल के हमें आटा गूंथ लेना है। ऐसे पानी हम डाल देंगे इसमें और आटा गूंथ लेंगे। कहते हैं आटे को 10 मिनट ढक के रखना चाहिए मलमल के क्लॉथ से, ग्लूटन उसमें राइज होता है, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। इस कंसिस्टेंसी का आपको आटा लगाना है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम कंसिस्टेंसी हमने यहाँ पे ली है। और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, पराठे बन जाएंगे। चाय के संग भी इसको आप खा सकते हैं, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्रोटीन रिच रेसिपी। हल्का सा अब हम तेल लेके हाथ में इसमें लोचन लगा देंगे हम यहाँ पर। रोस्ट करना ऑप्शनल है, नॉर्मली आप क्या है सोक कर देते हैं ना, आप कहीं भी जाइए साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में भी जो सब्जियाँ बनाते हैं सोक करके रख देते हैं। अभी हम पराठा जब सेकेंगे ना तो वो ऑलरेडी सिक जाएगी हमारी दाल, सोक्ड सोक्ड पूर्णिमा जी, सोक्ड मूंग दाल है। कुछ लोग दाल को इसको रोस्ट भी करते हैं पर वो अलग टाइप का पराठा हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ सोक करके हम बना रहे हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कई रेसिपीज हमने करी है कि सोक्ड मूंग दाल से सलाद बनाई है। सोक्ड मूंग दाल हमने पत्ता गोभी में डाला है, हमने पालक की सब्जी में डाला है, काफ़ी ये पॉपुलर रेसिपीज़ हैं टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं, ये नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की रेसिपी मूंग दाल का पराठा सोक करके हमने यहाँ पे बनाया है। अब इसको बेल लेंगे। अब देखिए पराठा सिक गया, लंच हमारा यहाँ पे रेडी हो रहा है, प्रोटीन रिच लंच है। रोज़ रोज़ दाल नहीं खाई जाती तो ये परफेक्ट ऑप्शन है जो आप बना सकते हैं, इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। और ये देखिए अब हम इसको सेक देंगे। अगर आपको भी मज़ा आ रहा है और मन कर रहा है कि ये प्रोटीन रिच पराठा आपको मिल जाए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है, अभी जाके सोक कर दीजिए और शाम को आप यूज़ कर सकते हैं इसको अपने डिनर के लिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कॉमेंट्स में हमें बताइए। और इसको तेल या घी आपकी चॉइस है, आप उसमें बना सकते हैं। कहते हैं कि कुछ पराठे घी में बहुत अच्छे लगते हैं, आलू के पराठे हो गए या कोई भी पंजाबी पराठा हो गया, पर मूंग दाल का पराठा अगर तेल से बनाएंगे ना तो और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। पर चॉइस आपकी, हमने यहाँ पे तेल लिया है पर आप घी भी ले सकते हैं। और इसको अब हम सेक लेंगे और प्रेस करके बनाएंगे और देखिए कितना कुरकुरा पराठा आपका रेडी आएगा। इसको रायते के संग, चटनी के संग, अचार के संग इसको बना लीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। अचार, रायता, जो आपका मन करे आप इसको ले सकते हैं। इसको अच्छे से दबा के प्रेस करके हम सेकेंगे, क्रिस्पी कुरकुरा जैसा आपको चाहिए आप इसको बना सकते हैं। अगर मन कर रहा है खाने का तो लाइक करिए, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अब हम इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे, प्रेस करके क्या होगा कि पराठे एकदम क्रिस्पी कुरकुरे, मेरे को तो पसंद है पर्सनली। तो आप इसको ऐसे प्रेस करके बना सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए
दोनों साइड से ये कुरकुरा पराठा रेडी हो जाएगा। हमारी थाली भी अब जब रेडी हो जाएगी तो फोटो में मैं आपके संग शेयर कर दूंगी एकदम। ये देखिए दाल कितना अच्छा आपका ये पराठा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है देखने में ही। अगर खाने का भी मन कर रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। अचार के संग अभी खाइए, सीजन है अचार तो बहुत सारे, कैरी का अचार यम्मी लगेगा एकदम। गर्मा गर्म अदरक की चाय के संग कुरकुरा पराठा डिप करके खाएंगे तो मुंह में तो मेरे ऑलरेडी पानी आ रहा है ये बोलते हुए ही, इतना अमेजिंग लग रहा है। और ये देखिए आप पराठे को आराम से सेक लीजिएगा अच्छे से क्रिस्प करके आप। और हमारी देखिए यहाँ पर लंच की थाली रेडी हो चुकी है। अगर आपको अच्छा लगे गर्मा गर्म मूंग दाल का पराठा दही के संग, ओहो हो मज़ा आ जाएगा। पर मेरे को तो अदरक की चाय के संग परफेक्ट लगता है, तो जिंजर की चाय या दही जो भी आपकी चॉइस है इसको बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। मूंग दाल से बनता है ये पराठा। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का में, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बाय बाय एवरीवन, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में।